हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिबा इनू कॉइन से जुड़ी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जहां पर क्रेकन के बाद एक और एक्सचेंज के द्वारा शिबा इनू कॉइन को लिस्ट किया गया है। साथ ही यहां पर एक बड़ी क्वांटिटी में शिबा इनू को फिर से परचेस किया गया है। सारी अपडेट आपको हम इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। दोस्तों, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर लिस्टिंग की। तो आप देख सकते हैं कल के दिन में क्रेकन एक्सचेंज के द्वारा लिस्ट किया गया, और यहां पर आप देख सकते हैं एक और बड़ा एक्सचेंज जिसके द्वारा शिबा इनू कॉइन को लिस्ट किया जाने वाला है, मेरकाडो बिटकॉइन। अगर आप इस एक्सचेंज को देखें, लगभग यहां पर 93,000 फॉलोअर्स आपको इनके ट्विटर हैंडल पर देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने ट्वीट करके ये मेंशन किया है कि शिबा इनू कॉइन को ये लिस्ट करने वाले हैं 112, मतलब 1 दिसंबर को। यहां पर आप देख सकते हैं इज द 13th ऑलरेडी ऑन द अकाउंट टू अपकमिंग एमबी रिलीजेस। यहां पर जो अपकमिंग रिलीजेस है इनके द्वारा वो यहां पर दी गई। ये लैंग्वेज आप देख सकते हैं, जो पुर्तगाल की लैंग्वेज है उसको यहां पर ट्रांसलेट करके हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहां पर पोलका डॉट फाइल कॉइन कॉस्मोस को भी ये रिलीज करने वाले हैं। सबकी डेट्स यहां पर दी गई है। शिबा की बात करें तो 1 दिसंबर को शिबा यहां पर लॉन्च होने वाला है, और एक काफी बड़ा एक्सचेंज है दोस्तों। लगातार आप देख रहे हैं, अगर हम शिबा की बात करें तो शिबा एक ऐसा कॉइन है जो बहुत ही ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ है। जब से ये रिलीज हुआ है, शायद ही कोई ऐसा कॉइन होगा जो इतनी जल्दी इतने सारे एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ है। अलग अलग रीजंस में भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, हर रीजन में आपको शिबा इनू कॉइन लगातार लिस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें टॉप 10 एक्सचेंजेस की, तो सिर्फ रॉबिनहुड को अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा आप देखें तो काफी बड़े ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिस पर शिबा लिस्ट हो गया है। रॉबिनहुड पर भी आपको नेक्स्ट ईयर शिबा इनू जरूर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी न्यूज की, जो यहां पर वेल वॉलेट से जुड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं वेल वॉलेट यहां पर लगातार शिबा इनू कॉइन को खरीद रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा था दोस्तों, परसों के दिन यहां पर लगभग 300 बिलियन शिबा इनू टोकन को ऐड किया गया था वेल वॉलेट के द्वारा। और फिर से आप देख सकते हैं ETH वेल जिमली जस्ट बॉट 24 बिलियन शिबा इनू टोकन। जिमली, जिसने पहले भी शिबा इनू कॉइन को परचेस किया है, एक बड़ी क्वांटिटी में होल्ड करके रखा हुआ है, उसने फिर से यहां पर 24 बिलियन शिबा इनू टोकन को खरीदा है। आप देख रहे हैं जब भी शिबा का प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है, यहां पर वेल वॉलेट शिबा इनू कॉइन में एंट्री ले लेते हैं। क्योंकि पहले भी हमने आपको सजेस्ट किया है दोस्तों कि जब भी यहां पर वेल वॉलेट्स की मूवमेंट किसी कॉइन में दिख रही है, उसका मतलब उसमें एक बड़ी हाइप आ सकती है, उसमें एक बड़ा पंप आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें जिमली की, तो आप देख सकते हैं जिमली ने काफी बड़ी क्वांटिटी में शिबा को यहां पर होल्ड करके रखा हुआ। और अगर हम बात करें ETH वेल वॉलेट्स की, तो टॉप 1 के ETH वॉलेट में शिबा इनू की होल्डिंग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। यहां पर ईथर स्कैन के द्वारा भी एड्रेस शेयर किया गया। अगर हम यहां पर बात करें डॉलर में, तो लगभग 1.1 मिलियन डॉलर के शिबा इनू टोकन को यहां पर परचेस किया गया है आज के दिन वेल वॉलेट के द्वारा। लगभग आप देख सकते हैं 3 आवर्स 18 मिनट्स पहले का ट्रांजेक्शन है जो यहां पर शेयर किया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो शिब आर्मी आपको यहां पर ट्रेंडिंग में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। यहां पर शिब आर्मी की यही स्पेशलिटी है कि जब भी यहां पर शिबा इनू कॉइन में थोड़ी सी हाइप देखने को मिलती है, कम्युनिटी यहां पर जाग जाती है, लगातार ट्विटर पर आपको मेंशन होता हुआ दिखाई देगा। और अभी भी अगर आप देखें तो शिब आर्मी यहां पर फिर से ट्रेंड में आ चुका है। और इसी वजह से दोस्तों कुछ क्वांटिटी, इतना ज्यादा मतलब आप लगाइए, मतलब थोड़ा सा अमाउंट भी अगर आप शिबा इनू में लगाते हैं तो वो बहुत है आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि जैसा इसका रिकॉर्ड है लास्ट ईयर का, आप देख सकते हैं एक साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, किसी भी कॉइन ने इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया है जितना शिबा इनू ने दिया है। तो पूरा पैसा आपको किसी भी कॉइन में नहीं लगाना है, आपको उतना ही अमाउंट लगाना है जिसके डूबने से आपको पैनिक ना हो। आपके पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है कि आपको किस कॉइन में कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कुछ मीम कॉइन्स भी होना चाहिए, उसके साथ ही यहां पर ऐसे कॉइन्स भी होना चाहिए अच्छा खासा पोटेंशियल हो। मीम कॉइन्स का एक कैटेगरी बना लीजिए। उसके अलावा यहां पर मेटावर्स प्रोजेक्ट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उनमें से भी कुछ कॉइन्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहां पर BTC ETH सोल जैसे कॉइन्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो अच्छा खासा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप एक ही कॉइन में पूरा पैसा लगा देंगे दोस्तों, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि उसका प्राइस कब बढ़ेगा, उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। 1 महीने 2 महीने तक नहीं बढ़ा तो फिर आप उसको सेल आउट कर देंगे लॉस उठाकर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे कॉइन जो लॉन्ग टर्म के लिए रखें, कुछ ऐसे कॉइन जिनको आप शॉर्ट टर्म में यूज करके उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए दोस्तों। और कोई भी अपडेट निकल कर आती है शिबा इनू कॉइन या क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी, तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।